Hello everyone, I am Dr. Neelam. I wish a very good day to you all. Today I am going to talk about the paper number 7 of B.Ed. course, which is Assessment for Learning. And today's topic of discussion is Issues and Problems in Assessment of Learning. जैसे कि हम जानते हैं, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षा के यूनिवर्सलाइजेशन के लिए समय समय पर अनेक एक्ट्स के द्वारा अनेक नीतियों के द्वारा महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, उसमें महत्वपूर्ण एडिशन किए गए हैं। सन 2009 में ऐसा ही एक महत्वपूर्ण एक्ट हमारे शिक्षा जगत में आया, जिसको कि हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के नाम से जानते हैं। इस एक्ट के आने से जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, बहुत सारे नई नीतियों को उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। शिक्षा का आकलन, जैसे कि हम जानते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा, या मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। बच्चे का आकलन कैसे किया जाए, उसने कितना सीखा है, इसका असेसमेंट कैसे किया जाए, ये काफ़ी समय तक सिर्फ अंक प्रणाली पर निर्धारित था। सिर्फ बच्चे के उसने कितने नंबर स्कोर किए हैं, उसके बेस पर उसका आकलन किया जाता था। पर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के आने के बाद मिस्टर कपिल सिब्बल, जो कि उस वक्त के MHRD मिनिस्टर थे, उनके द्वारा एक असेसमेंट के नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको कि हम आज ग्रेडिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम को हम इसी सब्जेक्ट में पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, सो हम उसके बारे में अधिक चर्चा नहीं करेंगे। आज हमारा मेन फोकस रहेगा कि जो हमारी ट्रेडिशनल कंसेप्ट मार्किंग था और जो नया कंसेप्ट ग्रेडिंग है, इन दोनों में क्या विभिन्नताएं हैं, क्या इन दोनों में चेंजेस हैं, क्या इनमें अलग बातें हैं, क्या ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण जो है मार्किंग सिस्टम को बदल कर ग्रेडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो इसके जो कंपैरेटिव पॉइंट्स हैं, चर्चा कर लेते हैं। हमारे पास कुछ एक पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं, जिसके बेस पे हम इन दोनों के बीच में क्या विभिन्नताएं थी उसको आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पॉइंट जो है, पहला पॉइंट है, वो है ट्रेडिशनल सिस्टम है। मार्किंग सिस्टम जो है हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ असेसमेंट है, और इसमें जो है असेसमेंट, बच्चे को असेस किया जाता था मार्क्स देके, और मार्क्स को डिनोट किया जाता है, जैसे कि बच्चे ने 86 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 100, 94 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 100, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम जो है हमारा एक न्यू कंसेप्ट है, नई प्रणाली है ये, और इसमें ग्रेड्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चे की, जो उसने थ्रू आउट द ईयर जो उसने सीखा है, जो भी उसने गतिविधियां की है, उनको किन्हीं ग्रेड्स के द्वारा जो है मेंशन किया जाता है, और वो ग्रेड्स जो है डिनोट किए जाते हैं, जैसे ABC, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर इंडिविजुअल असेसमेंट आइटम्स, मतलब कि इंडिविजुअल असेसमेंट आइटम्स पे जो है मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं, जबकि ग्रेड्स जो है पूरे कोर्स के लिए दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें क्लास 10th की, तो इसमें इंडिविजुअल असेसमेंट आइटम्स की हम बात करें, इसमें सब्जेक्ट वाइज बच्चे को जो है मार्क्स दिए जाते हैं, जबकि ग्रेड्स जो है पूरे 10th के लिए दिया जाएगा कि उसने 10th जो है वो ए ग्रेड में पास किया, बी ग्रेड में पास किया, या सी ग्रेड में पास किया। अगर हम और ज़्यादा मतलब डीपली बात करें, मार्किंग सिस्टम में बच्चे की जो अचीवमेंट है उसको सिर्फ उसके एकेडमिक्स को देखकर, उसने सब्जेक्ट्स में जो उसका सिलेबस था उसके हिसाब से कितने नंबर लिए हैं उसी को दर्शाता है, जबकि ग्रेडिंग सिस्टम में
ओवरऑल लेवल ऑफ अचीवमेंट उसका देखा जाता है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूंगी, जैसे कि बच्चे ने जो फाइनल एग्जाम है उसमें उसने कितने मार्क्स लिए। सपोज उसने 85 out of 100 लिए, ये हो गया उसके सब्जेक्ट का। फिर उसी जैसे मैथ्स का, ठीक है, अब मैथ्स की ही असाइनमेंट उसको दी गई थी, उसमें उसने 10 out of 10 अचीव किया है, तो इसको भी ऐड किया, ठीक है। फिर मैथ्स में ही उसका एक क्विज लिया गया था, अब क्विज में उसने 5 out of 10 स्कोर किया है। तो अब ये जो तीन चीजें हमारे पास हो गई, असाइनमेंट हो गया, क्विज हो गया, और उसका जो एग्जाम के जो मार्क्स थे, उन तीनों को ऐड करके हम एक ग्रेड उस बच्चे को असाइन करेंगे। मार्किंग सिस्टम में सिर्फ बच्चे का एकेडमिक स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट को देखा जाता था, सिर्फ उसने मतलब सिलेबस है हमारे पास, उसको उसको पढ़ना है और उसको क्रैम करके, उसको रट के एग्जाम दे के उसने जितने नंबर हासिल कर लिए उससे उसका आकलन किया जाता था। जबकि ग्रेडिंग में ऐसा नहीं है, इसमें एकेडमिक्स एंड नॉन एकेडमिक्स जो हमारी दो एस्पेक्ट्स होती हैं करिकुलम की, को करिकुलर और करिकुलर, दोनों एस्पेक्ट को ध्यान में रखा जाता है और दोनों को कवर किया जाता है। मतलब पढ़ाई के साथ साथ बच्चे की और जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं, जैसे मैंने पहले बात की क्विज की, कॉम्पिटिशन्स की, गेम्स की, सब चीजों को इसमें कवर किया जाता है। मार्किंग सिस्टम में बच्चे कंपीट करते हैं सिर्फ हाई स्कोर करने के लिए, मतलब वो उस चीज के लिए स्ट्रगल करते हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने हैं। ग्रेडिंग सिस्टम में ये जो कंपटीशन का फीलिंग है कि मुझे उससे ज्यादा नंबर लेने हैं, ये वाला कंपटीशन ग्रेडिंग सिस्टम में कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता ही है कि ग्रेडिंग सिस्टम जो है उसमें जो एक रेंज रखी जाती है, सपोज 90 to 100 जो है बच्चे को ए प्लस प्लस में रखा है, तो फिर डजेंट मैटर कि बच्चे ने 91 मार्क्स लिए हैं, 99 लिए हैं, 95 लिए हैं, वो जो है सब एक ही ग्रेड में आते हैं, तो कि मुझे उससे भी ज्यादा, क्योंकि ये जो मार्किंग सिस्टम है उसमें अगर एक भी नंबर ज्यादा होता है दैट मीन बच्चा जो है नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। जबकि ग्रेडिंग सिस्टम में एक रेंज होती है, उस रेंज में आने वाले सभी बच्चे जो है एक ही ग्रेड में लाया करते हैं, तो ये जो यहाँ पे कंपटीशन की जो एक स्पिरिट होती है बच्चों की वो कम हो जाती है ग्रेडिंग सिस्टम में। मार्किंग जो है ये पॉसिबल है विदाउट ग्रेड्स, जबकि ग्रेड्स जब हमने देने हैं बच्चे को तो हमारे पास किन्हीं मार्क्स का होना जरूरी है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी ग्रेडिंग सिस्टम है ये डिपेंड करती है आपके मार्किंग सिस्टम पे, आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं उसके बेस पर ही ग्रेड को पास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, मार्किंग सिस्टम में बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था या है, क्योंकि इसमें मैंने पहले भी कहा बच्चे की सिर्फ स्कॉलस्टिक अचीवमेंट को ध्यान में रखा जाता है, जबकि ग्रेडिंग सिस्टम जो है ये बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो है मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि ग्रेड जो है बच्चे की सिर्फ पढ़ाई लिखाई को ही ध्यान में रखकर नहीं दिए जाते हैं, बल्कि उसकी हर एक गतिविधि, वो खेल कूद में कैसे है, जैसे म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स, मतलब विभिन्न तरीके की गतिविधियाँ जो कि एक स्कूल कैंपस में करवाई जा सकती हैं शिक्षा के दौरान, उन सब में उनका उसका कंट्रीब्यूशन कैसा था, उस चीज़ को ध्यान में रखकर जो है ग्रेड असाइन किया जाता है। तो मतलब ये बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मार्किंग सिस्टम जो है क्वाइट सब्जेक्टिव है, बिकॉज इसमें क्या है, टीचर का उसकी एज कितनी है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, मतलब इस तरीके के अनेक जो पर्सनल फैक्टर्स हैं जो कि टीचर से रिलेटेड है उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। आपने देखा होगा कि जैसे जो बोर्ड एग्जामिनेशन होती हैं वो अलग अलग टीचर्स के पास जाती हैं, तो उसका असर जो है स्टूडेंट के मार्क्स पे पड़ता है। यहाँ पे इंडिविजुअल जो सब्जेक्टिविटी है उसका प्रभाव पड़ता है, जबकि ग्रेडिंग सिस्टम में ऐसा नहीं है, ये क्वाइट ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे वस्तुनिष्ठता है, इसमें जो इंडिविजुअल की जो पर्सनल इंटरफेरेंस है वो उसके चांसेस कम है।
मार्किंग सिस्टम जो है सम्मेटिव है। सम्मेटिव कैसे? ये मार्किंग सिस्टम जब था या है उसमें क्या होता है कि पूरा सिलेबस कवर करने के बाद आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं, उसमें आपने जितना स्कोर किया है उसके बेस पे आपको असेस किया जाता है। जबकि ग्रेडिंग सिस्टम क्या है? फॉर्मेटिव है। फॉर्मेटिव हम जानते हैं कि ये जब शैक्षणिक गतिविधियां चली होती हैं उसके साथ साथ जो है ये असेसमेंट चली रहती है। मतलब आपकी जो कोर्स चला है उसी में आपके बीच में रेगुलर टेस्ट होंगी, रेगुलर एक्टिविटीज कंडक्ट कराई जाएंगी, मतलब कि साथ 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 चलती रहती है। ये फॉर्मेटिव है, कॉन्टिन्यूस है। मार्किंग सिस्टम में जो है वो टाइम कम लेती है, लेस टाइम टेकिंग प्रोसेस है एज कम्पेयर टू द ग्रेडिंग। जबकि ग्रेडिंग इट टेक्स मोर टाइम, ऑलमोस्ट पूरा सेशन ये ले लेता है। क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम में क्या है, मार्किंग सिस्टम में तो क्या है, खाली आपको पूरा सिलेबस कवर करना है और एट द एंड एग्जाम कंडक्ट करा के उनको उसके ऊपर मार्क्स देने हैं, स्कोर देने हैं और हो गई आपकी असेसमेंट। जबकि ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, पूरा सत्र के दौरान आपको हर गतिविधि का ध्यान रखना पड़ेगा और बच्चे की हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है और लेबोरियस प्रोसेस भी है। मार्किंग सिस्टम में सिर्फ एक डोमेन कवर होता है लर्निंग का, वो है कॉग्निटिव डोमेन। मतलब बच्चे के सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यहाँ पे हो सकती है, जबकि ग्रेडिंग सिस्टम बच्चे के ऑल द थ्री डोमेन्स को कवर करता है, जो है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। मैं पहले भी बता चुकी हूँ क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम में जो है आपके पास ओवरऑल डेवलपमेंट का स्कोप रहता है। मार्किंग सिस्टम में अगर बच्चा एक बार फेल हो गया है तो उसको पिछली क्लास में जाना ही पड़ेगा, देर इज नो स्कोप फॉर रेमेडियल टीचिंग। जबकि ग्रेडिंग सिस्टम में रेमेडीज कैन बी प्रोवाइडेड टू वीक स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने बीच में सत्र के दौरान हमने बच्चे का टेस्ट लिया, हमें पता चला कि बच्चा जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम स्कोर कर रहा है, तो हमारे पास चांस है कि हम उस बच्चे को स्पेशल रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करें, हम उसको एक्स्ट्रा टाइम देकर उसके उस सब्जेक्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें या उसको एवरेज तक लाएं, तो यहाँ पे स्कोप है। जबकि मार्किंग सिस्टम में क्या है, बच्चा फेल। तो अब हम बात कर लेते हैं विच सिस्टम इज मोर इफेक्टिव, ग्रेडिंग और मार्किंग। हमने पीछे पॉइंट डिस्कस किया, उसके बेस पे कुछ एक और पॉइंट्स हैं जिस पे जो कि साबित करेंगे कि कौन सा सिस्टम जो है ज्यादा अच्छा है। ग्रेडिंग की बात कर लेते हैं। ग्रेडिंग इज ऑब्जेक्टिव सिस्टम ऑफ असेसमेंट, मैंने पहले भी कहा वस्तुनिष्ठ है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी रहती है, इसमें जो पर्सनल सब्जेक्टिविटी है, जो भेदभाव है, जो नेपोटिज्म है, इस तरीके के फैक्टर्स इस सिस्टम में देखने को नहीं मिलते हैं। तो ग्रेडिंग जो है ज्यादा बेटर है मार्किंग से। अब ग्रेडिंग जो है ये जो स्कोर प्रेशर है बच्चे के ऊपर, पहले भी बात की थी कि मुझे ज्यादा अंक हासिल करने हैं, उस प्रेशर को कम करता है। जबकि मार्किंग में क्या था, आपको एक एक नंबर के लिए भी बच्चा स्ट्रगल करता था। ग्रेडिंग सिस्टम एलिमिनेट द अनहेल्दी कंपटीशन अमंग हाई अचीवर्स। अब ये हाई अचीवर्स की बात हो रही है, यहाँ पे जो हाई अचीवर्स होते थे वो एक एक मार्क्स के लिए, पॉइंट्स में भी मतलब नंबर रेज करने के लिए आपस में कई बार वो अनहेल्दी कंपटीशन हो जाता था। मतलब बच्चा गलत तरीके से कंपीट करता था, जबकि ग्रेडिंग सिस्टम में ऐसा नहीं है। ग्रेडिंग सिस्टम से जो है सुसाइडल रेट्स कम हुए हैं। ये उस वक्त भी जब ग्रेडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद जो रिसर्चेज हुई हैं उसमें भी ये पाया गया था कि ग्रेडिंग सिस्टम के आने से जो सुसाइडल रेट्स हैं, बच्चा ये मतलब जो फेल हुआ बच्चा वही सुसाइड नहीं करता था, जो फर्स्ट आने की चाह में जो मतलब बच्चा 1, 2 या 10, 15 नंबर से भी पीछे रह जाता था, कई बार उनमें भी सुसाइड केसेस नोट किए गए थे। तो इस चीज को कम करने के लिए भी इस ग्रेडिंग सिस्टम को व्यवस्था में लाया गया था। तो ग्रेडिंग से क्या है, ये सुसाइडल रेट जो है वो कम हुआ है बच्चा फेल होने पे। अब क्योंकि अब बच्चा फेल नहीं होता है, उसको फेल नहीं होता इन द सेंस कि उसको ग्रेड्स दिए जाते हैं ABCD, तो बच्चे का जो है मोरल बना रहता है और वो सुसाइड नहीं करते हैं, फेल नहीं होते। मतलब ग्रेडिंग एनहांसेस द हेल्दी कंपटीशन, बच्चे के अंदर जो है जो हेल्दी कंपटीशन है उसकी स्पिरिट
बनी रहती है। आगे बात कर लेते हैं, ग्रेडिंग प्रोवाइड स्कोप फॉर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसमें जो है सहशैक्षणिक गतिविधियां भी करवाई जाती हैं। ड्यू टू ग्रेडिंग टीचिंग लर्निंग बिकम चाइल्ड सेंटर्ड। पहले जो मार्किंग सिस्टम था वो एक तरीके से सब्जेक्ट सेंटर्ड था, टीचर सेंटर्ड था, जबकि ग्रेडिंग सिस्टम में क्या है, फोकस बच्चे के ऊपर ज़्यादा बढ़ा है। इसीलिए ग्रेडिंग सिस्टम के आने से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सेंटर्ड हुआ है। ग्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड स्कोप फॉर रेमिडियल टीचिंग, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ग्रेडिंग फोकसेस ऑन बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट। यहाँ पे अब जो बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट, हम ऐसे बोल सकते हैं कि बच्चे को जो है शिक्षा के साथ साथ जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसका पोटेंशियल है, या जो उसमें स्पेशल कैलिबर है, उसको भी वो प्रेजेंट कर सकता है शिक्षा के साथ साथ। पहले आपने देखा होगा कि जो जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे साइंसेज के जो स्टूडेंट्स होते थे उनको कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं भेजा जाता था कि तुम्हारी पढ़ाई जो है उस पर असर पड़ेगा। जो सिर्फ आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते थे उनको कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भेजा जाता था, क्योंकि समझा जाता था कि उनके सब्जेक्ट जो है ज़्यादा सरल है। तो उसमें क्या होता है, बच्चा कहीं ना कहीं डिप्रेस फील करता है, क्योंकि कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कल्चरल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा अच्छे से अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, या खेल कूद वाली गतिविधियों में अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ग्रेडिंग सिस्टम के आ जाने से जो है लर्निंग एनवायरनमेंट और ज़्यादा बेटर हुआ है। ग्रेडिंग सिस्टम जो है इट कंसर्न विद ओवरऑल डेवलपमेंट चाइल्ड। सो इन दिस वे वी फाइंड दैट ग्रेडिंग सिस्टम इज मच बेटर देन दैट ऑफ मार्किंग सिस्टम, क्योंकि ये जो है टोटली चाइल्ड सेंटर्ड सिस्टम है। इसमें असेसमेंट जो है सिर्फ अंकों को ध्यान में रखकर नहीं की जाती है, बल्कि छात्र की संपूर्ण गतिविधियों को ध्यान में रखकर की जाती है, जिससे कि बच्चे को अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए समय मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है। थैंक यू वेरी मच।